नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि से खासकर गांव का आर्थिक उत्थान तो होगा ही, इससे सामाजिक तानाबाना भी मजबूत होगा। ये कहना है लोक भारती के वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकर्ता रामवदन दुबे का। उनका कहना है कि गौवंश आधारित प्राकृतिक कृषि गौ संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग श्री पारेकर की पद्धति का उपयोग करके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वह तकनीकी का प्रभावी उपयोग करके अपनी आर्थिक प्रगति का मार्ग तो प्रशस्त करें, साथ ही राष्ट्र और समाज के निर्माण में भी भागीदारी बने। साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री रामवदन दुबे जी, जो कि लोक भारती से जुड़े हुए हैं, लोक भारती के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, जिसको लोक भारती पूरे देश में एक व्यापक अभियान के रूप में चला रही है, उस कार्य से भी श्री दुबे जी जुड़े हुए हैं और इसी विषय पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे। दुबे जी सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि के बारे में, लोक भारती के जो कार्य है उसके बारे में आप क्या बताएं? धन्यवाद बंधु। गौ आधारित कृषि लोक भारती के माध्यम से आज ये हम लोगों के बीच में एक अच्छी चर्चा का विषय बना हुआ है और माननीय पारेकर जी की जो तकनीक है उसको उत्तर भारत में लेकर जो जागरूक किसान हैं, जो नया प्रयोग करना चाहते थे, जो करना चाहते हैं, उनको एक उन्नत तकनीकी को पहुंचाना, उन तक पहुंचाना, उनका मार्गदर्शन करना और उस तकनीकी के आधार पर कैसे वो पुनः स्वावलंबी आर्थिक व्यवस्था वाले गांव को स्थापित कर सकें, उस दिशा में एक प्रयास जो हो रहा है, उस प्रयास में हमारा एक निवेदन है कि हम जो भी कृषक बंधु इस कार्य से जुड़े हैं, प्राकृतिक खेती के बीच में हम काम कर रहे हैं, जो पारेकर जी मानी पारेकर जी की जो पद्धति उसका उपयोग कर रहे हैं, उससे जो उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद पर हमारा एक प्रथम ध्यान एक केंद्रित होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे अमृत तुल्य गो आधारित जो उत्पाद होते हैं उसका उपयोग हम स्वयं करें पहले जी। बाजार को सोच के हम तैयारी ना करें, बाजार तो हमें कल मिलेगा, जैसे जैसे हमारी पद्धति उन्नत होती जाएगी, हम उसमें और कुशल होते जाएंगे तो हमारा उत्पादन इतना होगा कि हम भी खा सकेंगे और उसके ज्यादा जो होगा तो अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को, अपने ब्लॉक को, अपने जिले को और आगे फैला सकते हैं। तो आज हमारा जो भी ध्यान हो केवल 15-16 किलोमीटर के क्षेत्र में ही उत्पादन हमारा बिक जाए और हमारे लोग, आसपास के लोग जहर मुक्त भोजन से मुक्त हों, इसको ध्यान में लेकर अगर हम प्रयास करते हैं तो हम समाज का काम भी कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा भी सकते हैं और आसपास गो आधारित प्राकृतिक खेती का बहुत तेजी से प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।